उदाहरण सात, एक बटा चार ऋण वर्गमूल सात के हर का परिमेयीकरण कीजिए। हमें एक बटा चार ऋण वर्गमूल सात के हर का परिमेयकरण करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एक बटा चार ऋण वर्गमूल सात को हम अंश और हर से गुणा करेंगे, चार धन वर्गमूल सात बटा चार धन वर्गमूल सात से। क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि हम जानते हैं कि ए ऋण वर्ग बी का परिमेयकारी परिमेयकारी गुणक ए धन वर्गमूल बी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए ऋण वर्गमूल बी के रूप में चार ऋण वर्गमूल सात है, तो इसका परिमेयकारी गुणक जो है चार ऋण सात का चार धन वर्गमूल सात, चार धन वर्गमूल सात से अंश और हर में हम गुणा करेंगे। यहाँ पे एक बटा चार ऋण वर्गमूल सात को हम गुणा करेंगे चार धन वर्गमूल सात बटा चार धन वर्गमूल सात, क्योंकि हम जानते हैं कि ए ऋण वर्ग बी का परिमेयकारी गुणक ए धन वर्गमूल बी बराबर अंश का जब हम एक को एक से गुणा करेंगे चार धन वर्गमूल सात से, तो ये चार धन वर्गमूल सात होगा बटा। यहाँ पे हम सर्वसमिका का प्रयोग कर सकते हैं, चार ऋण वर्गमूल सात चार धन वर्गमूल सात। देखते हैं बच्चों क्या होता है, यहाँ पे कहीं हम चार ऋण वर्गमूल सात को ए ऋण बी मानते हैं और चार धन वर्गमूल सात को ए धन बी मानते हैं, तो हम जानते हैं सरसमीका में कि ए ऋण बी ए धन बी बराबर ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग होता है। तो यहाँ पे चार ऋण वर्गमूल सात चार धन वर्गमूल सात में जब हम इस सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा चार का वर्ग, जहाँ चार ए है हमारा, फिर ये ऋण जो है उसका ऋण, और बी के स्थान पर हमारे पास वर्गमूल सात है, तो हम लिखेंगे वर्गमूल सात का वर्ग बराबर चार धन वर्गमूल सात बटा चार का वर्ग चार गुणित चार सोलह ऋण वर्गमूल सात का वर्ग सात बराबर चार धन वर्गमूल सात बटा सोलह ऋण सात बराबर नौ। इस तरह से हमने एक बटा चार ऋण वर्गमूल सात के हर का परिमेयकरण करके प्राप्त किया चार धन वर्गमूल सात बटा नौ। यह इस उदाहरण का हल होगा।